संपाति ने अपने बल का पराक्रम बताया कि एक बार हम में और गिद्धराज जटायु में उड़ने की होड़ लगी और सूर्य नारायण भगवान की ओर हम लोग उड़ना प्रारंभ किया। काफी दूर पहुंच करके गिद्धराज जटायु तो उनके फण पंख जल गए, वो नीचे गिर गए, पर मैं फिर भी भगवान सूर्य की ओर बढ़ता रहा और जैसे ही नजदीक पहुंचने वाला था सूर्य के ताप से मेरे भी फण दोनों पंख जल के राख हो गए और मैं नीचे गिर गया। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान राम के दूत जब समुद्र पर आएंगे तब तुम्हारे ये पंख पुनः आएंगे। और आज जैसे ही जामवंत जी हनुमान जी नर नील पहुंचे हैं तो आज दर्शन करते ही राम दूतों का दर्शन करते ही संपाति जी के नए पंख आ गए और कहा कि अब चिंता मत करो, मुझे 100 योजन दूर तक का दिख रहा है, समुद्र पार भी माता जानकी है, जाओ समुद्र लांग करके और उनका समाचार लाओ। जामवंत जी ने सभी बानर भालुओं से कहा भैया कौन जाएगा 100 योजन, सब अपने अपने बल को बखान करते हैं। कोई कहता है कि हम 20 योजन जा सकते, कोई कहता है हम 40 योजन जा सकते, कोई कहता है कि हम 50 योजन चले जाएंगे। अंगद जी ने कहा मैं पूरा 100 योजन समुद्र पार कर जाऊंगा, पर जिए संशय कछु फिरती वारा, वापिस आऊं इसकी गारंटी नहीं है, उसमें कुछ संशय है। तब जामवंत जी ने कहा वापिस नहीं आ सकते फिर कैसे काम चलेगा। आखिर सबकी दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ी। जामवंत जी ने कहा आप अपने बल को बखानो, सब अपना बल बता रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही कहा तो हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल होता है वो बखानता है, हमारे पास तो हमारा बल है ही नहीं, हमारे पास तो रघुनाथ जी का बल है और रघुनाथ जी का बल तो अनंत है, अथाह है। और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी का बल अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, हनुमान जी में इतना बल है कि महाराज कोई बखान नहीं कर सकता। 10,000 हाथियों में जो बल होता है वो एक ऐरावत हाथी में होता है और 10,000 ऐरावत हाथियों में जो बल होता है वो एक इंद्र में होता है और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी महाराज की पूंछ के एक रोया में है। अब आप अनुमान लगा लो कितना बल नहीं होगा हनुमान जी में।